अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आज हम एनर्जी सेवर खोलने का तरीका और उसको चेक करने का तरीका आपको बताएंगे। खोलना अपने आराम से ताकि टूट ना जाए। तो वीडियो के साथ साथ आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी से वीडियो लेते रहूँ। तो ये हमने अभी खोला है एनर्जी सेवर, चूँकि ये पहले भी रिपेयरेबल है इसलिए खोलने में थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि तब इसके ऊपर एलपी वगैरह और मट्टी के साथ लगा दिया जाता है। चेक भी करना इसका वो डेमो, तो अब हम चेक कर रहे हैं या आप देखते जाएं साथ साथ। इजाज झाड़ू मंगवाला है क्योंकि काली टेप है ना, नहीं पता चलता छकावा पै जाता। तो आज हमारी एक तस्वीर भी टूट गई थी, उसके दाने देख रहे हैं साथ साथ। ये भी बन रही है अभी। आपको बल्ब भी दिखाते हैं, ये बल्ब है जिसके अंदर नाइक्रोम की तार है जो एलिमेंट के तौर पे काम करती है, यही गर्म होती है और रोशनी पैदा करती है। तो काम हमारे पास ज़्यादा है। ये उसको पीछे लगा रहे हैं, ये होगा उम्र तुझे मोबाइल दी बना देते मैं तो परे मुँह करके, ये उसकी है, इसको ये लगा रहे। काबल तो कोई नहीं है, अबे तो वो चल तो तेरी गल ही नहीं ये, तेनो हाले तक मैं कोई जितने भी काम गए ना एक नहीं है, एक कभी नहीं है। फिर की पता यार तुम्हारे वर्ग के स्टूडेंट का चंगा ना ही होने से चंगा टुटा जा टेबल से जिवे पहले सर मैं जदो का आया उदो तक कोई एक सिंगल काम दस तू कीता सर जी तुसी वीडियो क्या से मैं बनाईया ते है उससे अलावा भी कोई काम कह दे नहीं सर जी केड़ा काम नहीं कीता मैं बसो ना ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਪੰਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ तो अभी ये इसकी तारें निकल रही हैं जिसे हम चेक करेंगे। अब बाबे ने पेंट झाड़ी सी, मैं दो दाने लेते डेग पैने पक्के हुए नहीं वो भी आ जाएंगे पेट करने ही। असि जिते 33 का पहाड़ा लग रहा उ 17-17 का ला देंगे, मकसद तो दाने पूरे करना है ना। चल फिर एक वीडियो तू भी बना दी बोलेंगे हल्का भुल गया नहीं बोल रहा सर इस चीज के बारे में अले नहीं अले ठहर जा जो तक कहूँ पहले खुलिया नहीं है हैं
तक खोल गए। शुक्र ये देखें जी, ये पहले ये शेल की तारें ये पहले रिपेयर हो चुका है, इसके अंदर ये कली भी ये एल्फी वगैरह लगाई गई है। तो जब ये बार बार रिपेयर होने लग जाते हैं तो फिर ये खोलने में फिट करने में इसकी ये जो चीज़ें टूट जाती हैं, तो आपको शेल भी अलग मिल सकते हैं, तो आपको ये सर्किट भी अलग मिल सकता है। तो अगर मैं सर्किट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर भी मिलेगा, डायोड भी मिलेगा, कैपेसिटर भी मिलेगा, रेजिस्टेंस भी मिलेगी। हर ये सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और मजे की ये बात बता दूँ कि इसकी हर एक के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ लिखी मिलेगी। ये ट्रांसफार्मर लगा, इसका काम है स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना वोल्टेज को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो अभी हम इसे चेक करते हैं, इसका मसला क्या है। चले भाई चेक करो, ये जरिए तो नहीं देखना। हाँ चेक करो, लीड कितने, तो हम ये चेक करेंगे कि शेल जला हुआ है कि नहीं। शेल ठीक है, सर्किट खराब है। सर्किट तो ठीक है, तो ये खराब है। और शेल चेक कर, और सर्किट पर यहाँ खुला गया, ये चेक करना सर्किट पर। नहीं जी, इसका सर्किट ख़राब लग रहा है, तो अभी दूसरे सर्किट के साथ इसे चेक करते हैं तो मसला क्या है। दोनों में मसला है, लेकिन अभी चेक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।